महिला पुलिस महिलाओं के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। रेवाड़ी महिला पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहती है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से तो शायद इनका नाता दूर दूर तक नहीं है। इधर से उधर घुमाकर समझौते का दबाव डालने के बाद कहीं जाकर मामला दर्ज होता है। मामला रेवाड़ी के एक गांव में देखने को मिला है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। पीड़ित परिजन नाबालिग को लेकर पहले तो नाहर चौकी पहुंचे, उसके बाद उसे टरकाते कोसली थाने भेज दिया गया। कोसली थाने से रेवाड़ी महिला थाने में भेज दिया गया। परिजनों का आरोप है कि वहां भी उन्हें देर रात तक बैठाया गया। यही नहीं, नाबालिग बच्ची के साथ बस लुकी की गई। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने कुछ तत्परता दिखाई, आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। यह पहला मामला नहीं है जब पुलिस पीड़ित महिलाओं को इधर उधर दर्जनों चक्कर ना कटवा दे। ऐसे मामलों को लेकर पहले भी रेवाड़ी पुलिस कई बार सुर्खियों में रह चुकी है। हमारी ये है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, हम नाट गए और नाट वाले ने हमारी नहीं सुनाई करी, क्योंकि नाट वाले ने हमें कोसली भेज दिया। और फिर हम कोसली गए, वहाँ पूनम मैडम थी और उसने भी बयान लिया। हमने उसका सारा दिन वेट किया, 5:30 बजे वो वहाँ पे आई। फिर उसने बयान लिया हमारी लड़की का अकेले में ले जाके ने, और उसने लिखा। उसके बाद उसने ये कहा कि 1 घंटा आप बैठो, मैं आपका मामला दर्ज करूँगी। और 1 घंटे के बाद उसने जवाब दिया कि मैं ये मामला दर्ज नहीं कर सकती, आप रेवाड़ी जाओ महिला मंडल में, वहाँ आपका मामला दर्ज होगा कि आपकी बच्ची नाबालिग है। हम वहाँ पे गए तो उनने मामला दर्ज तो किया, लेकिन हमारी बच्ची को एक साइड में ले जाके ने उसने डराया भी से और धमकाया भी से और गाल भी खींची है। उसके बाद हमारी बच्ची डर गई, कुछ बोल नहीं रही। आके मैंने देखा तो ये लड़का लड़की के ऊपर पड़ा हुआ, मेरे को देख के और मेरे को धक्का दे करके एकदम घर से बाहर निकला। मैंने आवाज़ दी, पड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए थे। मैं नाड़ चौकी के अंदर गए, नाड़ चौकी वालों ने हमारी वो कोई सुनाई नहीं की। नाड़ वाले ने कहा कि कोसली जाओ, कोसली हम गए। कोसली जो पूनम मैम है उसने बोला कि भाई ये नाबालिग है, मैं इसका केस दर्ज नहीं कर सकती। रात को 9 बजे हम रेवाड़ी गए हैं, 11:30-12 बजे के लगभग हमारी FIR दर्ज हुई है। और दूसरे दिन फिर मजिस्ट्रेट के बयान हुए, हमें फिर बुलाया गया। 2 दिन में लगातार गाड़ी ले लेके गया हूँ, गरीब आदमी हूँ। आने के बाद लड़की से पुलिस यहाँ नहीं आई जी, पुलिस तो आज तक भी नहीं आई है। हम ही रेवाड़ी गए हैं, पुलिस आज तक भी नहीं आई है। जैसे ही आई तो परसों आई थी, हमारी गाड़ी के अंदर बैठ के आई। वो गाड़ी का किराया भी मैंने दिया है, नक्शा लेके गए मकान का और मौका देखने के लिए। ये रामफल का लड़का है, बच्ची बोलते हैं यहाँ तो पिंटू, वैसे पिंटू है। कर से हम ये मांग करना चाहते हैं जी, ऐसे गंदे आदमी को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि आगे ऐसे निकम्मे आदमी पैदा हो कोई गलत काम ना, इससे और लोगों को भी सबक मिले। आज न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।